साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी उत्सव लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। कल पूरा दिन बेटे से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने सुबह लैंडलाइन पर फ़ोन लगा दिया। जानती थी आज रविवार है, रजत घर पर ही होगा और जब वह घर में होता है सबसे पहले दौड़कर वही फ़ोन उठाता है। माँ से तो इतनी जल्दी चला भी नहीं जाता। वही हुआ, फ़ोन रजत ने ही उठाया। वह बोली, अरे शाम को तुम लोग कहाँ गए थे? मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। हम लोग ना कल संजना बुआ की शादी में गए थे, रजत ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। संजना की शादी? क्या बात कर रहे हो, जरा दादी को फोन देना। तब तक माँ ने खुद फोन ले लिया था। बोली, वह तो पागल है, शादी नहीं, हम लोग संजना की सगाई में गए थे। सगाई? एकदम कैसे? एकदम कहाँ बेटा, पिछले महीने वे लोग देखने आए थे ना, तभी तय हो गया था। तुम्हें गौतम ने बताया नहीं था क्या? भूल गए होंगे, मैं पूरा महीना मम्मी के यहाँ जो थी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। इसके बाद किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मन हो रहा था कमरे में जाकर चुपचाप पड़ी रहे, पर जानती थी मम्मी पापा नाश्ते पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए नाश्ते की टेबल पर चली आई। किसकी सगाई की बात हो रही थी? मम्मी ने पूछा। संजना की। संजना कौन? पापा ने पूछा। मेरी ननंद, गौतम की चचेरी बहन। उसकी सगाई हो गई और तुम्हें खबर भी नहीं हुई? मम्मी ने कहा। कायदे से तो हमें भी निमंत्रण मिलना चाहिए था, पर जब घर की बहू को ही नहीं बुलाया तो हम लोग क्या लगते हैं। और अब तुम्हारी चाची सास पूरी बिरादरी में कहती फिरेगी कि गौतम की बहू तो मायके में ही पड़ी रहती है, उसे ससुराल से कोई लेना देना ही नहीं है। 16 सोमवार वाली बात याद है ना? उस समय हमारी गलती थी, पापा बोले। ससुर की षष्ठी पूर्ति के दिन तुम्हारी बेटी वहां केक कटने के लिए भी नहीं रुकी। मैं सारे झंझटों से समय निकालकर दौड़ता भागता समधी जी को बधाई देने पहुंचा। सोचा था लौटते समय बिटिया को लेता आऊंगा, पर पता चला वह तो कब की जा चुकी है। मैं इतना शर्मिंदा हो गया। पापा, मम्मी ने सुबह से इतनी बार फोन किया कि गौतम एकदम चिढ़ गए। बोले, तुम जाओ, यहाँ मैं सब देख लूँगा। मुझे बिना बताए टैक्सी बुलवा ली। घर में इतने लोग थे, सबके सामने बहस करना अच्छा नहीं लगा। अपने यहाँ कार्यक्रम तो शाम का था ना, पापा मम्मी से बोले। फिर उसे सुबह से बुलाने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों ने अपने कार्यक्रम के कारण डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। वर्किंग डे होने के बावजूद उन्होंने लंच का कार्यक्रम रखा था। पर उसी दिन करने की क्या ज़रूरत थी, अगले दिन भी तो कर सकते थे। तुम सोमवार का अध्यापन मंगलवार को कर सकती थी। हर तिथि का अपना महत्व होता है, जन्मदिन तो उसी तारीख को मनाया जाता है। केक काटने के बाद परिवार की स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी थी, पर इस कार्यक्रम में घर की बहू नदारद थी। सबने मन में क्या सोचा होगा, यह सोच सोच कर मैं दुखी हुआ जा रहा था। आखिर उसे सुबह से बुलाने की ज़रूरत क्या थी? घर में इतना काम था, सब उसे समझाना था, नेक दस्तूर व सामान संभलवाना था, हलवाई का सामान निकालना था, पंगत के लिए दही लगानी थी। मैं 4 बजे पूजा में बैठ जाती तो यह सब उसे कौन बताता? तुमने उसके भरोसे यह कार्यक्रम किया था? और मेरे पास कौन है? मम्मी ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। पिंकी वहाँ से उठ गई। वह जानती है अब रोने धोने शुरू हो जाएगा, उसकी भावना को इतनी ठेस पहुँची है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। मम्मी अपनी शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाएगी। उस दिन गौतम खाना खाकर आए थे, इस बात को मम्मी ने अब तक क्षमा नहीं किया। 16 सोमवार के अध्यापन में आने वाले भी दिन भर व्रत करते हैं, पर गौतम का तर्क था मेरे घर में फंक्शन था, मैं वहाँ से बिना खाए कैसे आता। मम्मी बोली, अच्छा हुआ मैंने 2-3 एक्स्ट्रा जोड़े न्योता कर रखे थे, नहीं तो मेरा व्रत खंडित हो जाता। वैसे दामाद को खिलाने का पुण्य नहीं मिला तो नहीं मिला। पूरी दोपहर विचारों में खोई अपने कमरे में पड़ी रही। खाने का बुलावा आया तो मुंह बनाकर चली आई। मम्मी चिल्लाती रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ उससे वह दुखी है या नाराज या दोनों। रह रहकर
5-6 दिन पहले वाली घटना याद आ रही थी। उसका परिणाम ऐसा होगा यह तो सोचा ना था। वह अपने आप को ही कोसे जा रही थी। उस दिन भैया भाभी US के लिए रवाना होने वाले थे। सुबह सुबह पापा के पास गौतम का फ़ोन आया था। सब लोग एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? पापा ने बताया एक गाड़ी है, एक कार कर लेंगे। तब गौतम ने कहा था कि चिंता ना करें, मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा। पापा तो एकदम गदगद हो गए थे। फिर गौतम का उसके पास फ़ोन आया था, अगर घर आने का मन है तो सामान तैयार रखना, एयरपोर्ट से लौटकर हम लोग तुम्हारा सामान लेते हुए घर आ जाएंगे। मना करने का सवाल ही ना था। उसे पियर आए 25 दिन हो गए थे। केवल एक दिन के लिए बीच में घर गई थी, जब उसकी सास ने इन लोगों को खाने पर बुलाया था। मम्मी का आग्रह था कि जब तक भैया भाभी है वह यहीं रहे। सोचा शाम को भैया भाभी चले जाएंगे तो वह भी गौतम के साथ निकल जाएगी। वह जितना अपनी माँ को जानती थी उससे यह तो अंदाज़ा था कि यह काम सरल नहीं है, पर असंभव होगा यह नहीं सोचा था। एयरपोर्ट से लौटकर पापा ने मम्मी को उतारा और वे गाड़ी पार्क करने चले गए। अपनी गाड़ी से उतरकर वह भी गौतम और रजत के साथ घर में दाखिल हुई। देखा डाइनिंग टेबल पर मम्मी सिर रखकर फूट फूट कर रो रही है। यह रोने का कार्यक्रम शायद रास्ते में ही शुरू हो गया था। वह कुछ क्षण मम्मी को देखती रही, फिर धीरे से अपना और रजत का बैग लेकर आ गई तथा सहमे स्वर से बोली, मम्मी मैं निकल रही हूँ। मम्मी ने सर उठाया, उनकी गीली आंखों से जैसे अंगार बरसने लगे। अच्छा तुमने भी मुहूर्त निकाल लिया, जाओ सब लोग जाओ, अब कभी वापस मत आना, मेरे मरने की खबर मिले तब भी नहीं। भगवान ऐसी पत्थर दिल लड़की किसी दुश्मन को भी ना दे। उसने सहसा भाव से पति की ओर देखा, वे यह नाटक देख रहे थे, उनकी आंखों में घोर वितृष्णा थी। रजत का बैग उठाकर बोले, मैं इसे ले जाता हूँ, इसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, तुम्हारा जब मर्जी हो आ जाना। दरवाजे पर ही पापा से भेंट हो गई। अरे अब चल दिए, चाय तो पीकर जाते, पापा ने कहा, पर वे रुके नहीं, बस सॉरी कहकर चल दिए। पापा ने भीतर आकर माहौल देखा तो समझ गए, ऐसे में गौतम रुककर भी क्या करते। रजत चला गया। पापा ने पूछा, हाँ पापा पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा था, अपना बच्चा क्लास में पीछे रह जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, वैसे भी पलक और पुनित के जाने के बाद वह यहाँ बोर ही हो जाता। अपना सूटकेस उसने प्रयत्नपूर्वक छिपा दिया था ताकि पापा को बाकी ड्रामे का पता ना चले। उस दिन के बाद पति पत्नी के बीच संवाद ही खत्म हो गया था। शायद संजना की सगाई के कारण ही वे उसे घर ले जाना चाहते थे, पर वह साथ नहीं गई तो उन्होंने या किसी ने उसे बताया या बुलाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। वह अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रही थी। इसी संवाद को किसी तरह समाप्त करना होगा, इसके लिए उसे ही पहल करनी पड़े तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। शाम को उसने गौतम को फ़ोन लगाया, कहना चाहती थी कि कल ऑफिस से लौटते हुए मुझे लेते आइए। फ़ोन उठाते ही उन्होंने सपाट स्वर में कहा, बोलो। कोई आवेश नहीं, कोई उष्मा नहीं, ऐसे में कोई क्या कहे। प्रियंका जी, फ़ोन पर हो ना, तो जल्दी बोलो क्या बात है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। कैसा काम? संजना के ससुराल वाले डिनर पर आ रहे हैं, ज़रा हॉल ठीक करना है, टेबल सजाना है। उसे धक्का सा लगा, फिर भी उसने कहा, और खाना? माँ अकेले सब कर रही है? नहीं, विमला मौसी को शाम को भी बुला लिया था, फिर चाची भी रहेंगी ना, वे लोग भी आ रहे हैं। अब उनके समधी जी को आमंत्रित किया है तो उन लोगों को छोड़ देंगे क्या? चलिए चाची जी को एक और शगुफा मिल जाएगा। क्या? कुछ नहीं। और उसने फ़ोन रख दिया। उसे बेहद बुरा लग रहा था, संजना के ससुराल वाले खाने पर आ रहे थे तो उसे खबर तो कर सकते थे, सारा अभिमान छोड़कर वह खुद पहुंच जाती। जब सगाई जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में उसे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा तो यह तो मामूली डिनर था। वह पति को क्षमा करने को तत्पर थी, पर अब उसका मन फिर से धधक उठा था। सुबह नहाकर निकली ही थी कि फ़ोन बज उठा, संजना का था। हेलो भाभी, बात मत करो मुझसे, चुपके चुपके सगाई कर ली,
तब भाभी की याद नहीं आई? कसम से भाभी, आपकी इतनी याद आई थी कि बता नहीं सकती। मैंने तो कह दिया था कि मैं पार्लर वालर नहीं जाऊंगी, मुझे भाभी ही तैयार करेंगी। पर फिर भैया ने बताया कि आंटी बहुत सीरियस चल रही है, आप नहीं आ पाएंगी। कल भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए सुबह सुबह ही फ़ोन कर लिया। आंटी अब कैसी है, क्या हो गया था? क्षण भर को वह स्तब्ध रह गई, पर फिर उसने अपने आप को संभाला। अरे होना क्या था, भैया भाभी महीने भर यहाँ थे ना, तो लगी रही, उम्र का ख्याल किया ना अपनी तबीयत का, बस जुटी रही। अब जब वे लोग चले गए हैं तो पड़ गई है, शरीर से मन से टूट गई है। इस बार भैया पूरे 5 साल बाद आए थे, अगली बार पता नहीं कब आएंगे, मेरे जीते जी आएंगे भी या नहीं, यही सोचकर हलकान हुए जा रही है। यह तो अब घर घर की कहानी हो गई है भाभी, पता नहीं लोग अपना देश अपना घर परिवार छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं, पीछे जो लोग छूट गए हैं उन पर क्या बीत रही है, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखिए और आंटी का भी, किसी दिन मैं और मम्मी उन्हें देखने आते हैं। फोन रखते ही उसका मन सुलग उठा। अपनी खुन्नस निकालने के लिए मेरी माँ को बीमार क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो मांगना ही पड़ेगा। उसने तुरंत फोन लगाया, स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 बार यही हुआ तो उसने लैंडलाइन पर फ़ोन लगाया। माँ इनसे कहिए मुझसे बात कर ले, मैं लगा रही हूँ तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा वह तो फ्लाइट में होगा ना, वहाँ तो फोन बंद ही करना होता है। फ्लाइट में कहाँ गए हैं? मद्रास, वह नया नाम क्या है मुझे याद नहीं। मद्रास किस लिए? ऑफिस के काम से गया है। कितने बजे की फ्लाइट थी? क्या पता, घर से तो सुबह ही निकल गया था। उसे इतनी झुंझलाहट हुई, यह कोई जवाब हुआ? सुबह ही निकल गया था? सुबह मतलब कितने बजे, 6, 7, 8? फिर उसने मन ही मन अनुमान लगाया और 12 बजे फ़ोन लगाया, पता चला मीटिंग चल रही है। 4 बजे वही जवाब मिला, 8 बजे डिनर चल रहा था। दूसरे दिन भी इसी की पुनरावृत्ति हुई। तीसरे दिन उसने शाम 6 बजे का समय चुना। हाँ बोलो, उधर से आवाज़ आई। आप क्या किसी मॉल में खड़े हैं? कितना शोर हो रहा है। मैं साड़ियों की दुकान में खड़ा हूँ और साड़ियों की दुकान में औरतें होती है, और जहाँ औरतें होती है वहाँ शोर तो होता ही है। तुम अपनी कहो, फ़ोन कैसे किया? साड़ियों की दुकान में आप क्या कर रहे हैं? साड़ियों की दुकान में कोई क्या करता है, साड़ी खरीद रहा हूँ। उसका मन एकदम लहलहा उठा, पर दूसरे ही क्षण उसकी खुशी काफ़ुर हो गई। गौतम कह रहे थे, माँ ने कहा था वहाँ जा रहे हो तो संजना के लिए साउथ की अच्छी सी साड़ी ले आना, अगले महीने उसकी शादी है ना। उसका मन एकदम बुझ गया, फिर भी उसने उत्सुकता का नाटक किया। साड़ी ले ली? दिखाइए कैसी है। पैक हो रही है, उसने खींचकर फ़ोन रख दिया। अगले 2 दिन वह रूठी रही, उसने रजत को भी फ़ोन नहीं किया। पर शनिवार को बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए वह व्यग्र हो गई, उसने पहली बार उसे छोड़ा था। इतने दिनों तक वह उससे दूर कभी नहीं रही, उसे इतवार को अपने पास बुलाने का मन हो आया। उसने घर पर फ़ोन लगाया, उसकी सास ने उठाया। माँ रजत कहाँ है, ज़रा उसे फ़ोन दीजिए। बेटा वह पार्क में गया है। पार्क में अकेले? अकेले कैसे भेज देंगे, उसके दादाजी साथ गए हैं। पर बाबूजी इतनी दूर? ऑटो से गए हैं, ऑटो से ही आएंगे। क्या है बेटा, दिन भर तो खेल कूद में निकल जाता है, पर तुम दोनों नहीं होते हो तो शाम को थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए। ये अभी चेन्नई से लौटे नहीं है क्या? कब से? मेरे ख्याल से बुधवार को ही आ गया था। बुधवार शाम को ही तो बात हुई थी साड़ी की दुकान में, पर उस समय वापसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तुम्हें पता नहीं था क्या? सास का यह सवाल उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया और बोली, फिर आज कहाँ गए हैं? आज तो वह अपने स्टाफ को पार्टी दे रहा है। किस खुशी में? उसने तो व्यंग से पूछा था, पर माँ एकदम खुशी से बोली, खुशी की तो बात है बेटा, उसका कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। कह रहा था सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए पार्टी दे रहा है।
पूरे स्टाफ को पार्टी दे रहे हैं, मतलब कोई बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी खुशखबरी पत्नी से शेयर करने की जरूरत तक नहीं समझी। ये किस बात का संकेत है? रविवार के दिन उसने रजत को फिर फोन लगाया। छुट्टी का दिन था, जानती थी देर से उठेगा, इसलिए 9 बजे के करीब फोन लगाया। फोन रजत की दादी ने उठाया, बताया वह पिकनिक पर गया है। कहाँ? किसी पानी वाली जगह पर तो नहीं गया ना? नहीं तो टीचर लोग बात करती रह जाएंगी। वह स्कूल की पिकनिक पर नहीं गया है, गौतम का एक दोस्त सपरिवार ऑस्ट्रेलिया से आया है। यहाँ के कुछ दोस्तों से मिलकर फैमिली पिकनिक का प्लान किया है। डैम साइट पर कोई नया होटल खुला है, वहीं गए हैं। पता है उसे, पिछली शादी की सालगिरह उन लोगों ने वहीं मनाई थी, पर फैमिली पिकनिक में गौतम को उसकी याद नहीं आई। क्या सचमुच अपने जीवन से गौतम ने उसे निष्कासित कर दिया है? नाश्ते के लिए बुलावा आया तो वह चुपचाप जाकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर पापा ने पूछा, रजत से बात नहीं हुई क्या? वह पिकनिक पर गया है, उसने बुझे स्वर से कहा। यह मौसम ही पिकनिक का है, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, तुम भी एंजॉय करो। संडे का स्पेशल नाश्ता है, और चिंता बिल्कुल नहीं करना, वे लोग खूब अच्छा ख्याल रखते हैं। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है, हमसे एक बच्चा नहीं संभलता है और वे इतने सारे बच्चों को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। उसने यह नहीं बताया कि रजत कौन सी पिकनिक पर गया है। वह चुपचाप संडे का स्पेशल नाश्ता यानी कि समोसा और जलेबी एंजॉय करने की कोशिश करने लगी। तुम खा रही हो कि चुग रही हो? कुछ देर बाद मम्मी ने टोका, घंटे भर से जलेबी का एक टुकड़ा दांत में दबाए बैठी हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम कैसी माँ हो? पापा ने कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अपने 32 साल के बेटे के लिए रो रो कर घर भर देती हो। उसका इतना नन्हा सा बच्चा, 8-10 दिन से उसे देखा नहीं है, उसे याद नहीं आएगी क्या? तो भेजने की क्या जरूरत थी? उसकी पढ़ाई का ऐसा हवा बना रखा है जैसे बीए कर रहा हो। मम्मी, एक बार बच्चों को स्कूल ब्रेक करने की आदत पड़ जाती है तो बहुत मुश्किल होती है, और बीए को ना सही, जो भी है उसके लिए तो वह पढ़ाई भारी ही है ना। तुम एक काम करो बेटा। क्या पापा? यहाँ आसपास कोई अच्छा सा प्ले स्कूल हो तो उसका एडमिशन करवा लो। जब वह यहाँ रहेगा तो यहाँ किस स्कूल जाएगा? इससे यह होगा कि उसकी पढ़ाई भी बर्बाद नहीं होगी और बच्चा भी अपने पास रहेगा। क्या बात कर रहे हैं पापा, ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ आते रहना है। पापा टूर पर हो तो तुम्हें आना है, मम्मी का माइग्रेन सर उठाए तो तुम्हें आना है, मम्मी की किटी पार्टी हो तो तुम्हें आना है, मम्मी के घर सुंदरकांड का पाठ है तो तुम्हें आना है। इन शॉर्ट, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। यह आखिरी पंक्ति पापा ने अत्यंत बेसुरे स्वर में कही। पिंकी की तो हंसी ही आ गई, पर माँ एकदम चिढ़ गई। मेरा मजाक बना रहे हैं ना? मैं नाचीज तुम्हारा क्या मजाक बनाऊं? तुम खुद एक बड़ा मजाक बन चुकी हो। पता है इस समय तुम बहुत सीरियस बीमार हो, इसलिए बेटी तुम्हारी सेवा पहल के लिए यहाँ रुकी हुई है। बीमार पड़े मेरे दुश्मन, किसने फैलाई है यह अफवाह? जब परिवार की बेटी की सगाई में परिवार की बहू नदारद हो तो कुछ तो बहाना बनाना पड़ता है। तो हमें क्या सपना आया था? एक बार खबर तो करते। खबर करते तो तुम कहती, जब भी लड़की यहाँ आती है तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई काम निकल आता है, जानबूझकर करते हो तुम लोग। माँ बेटी दोनों चौंक गई। पापा, यह सब आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, बात सच है ना? क्या हुआ था? पिंकी ने एक बार मम्मी की ओर देखा और बोली, माँ की एक सहेली कनाडा से आई थी, उन्हें डिनर पर बुलाया था। नेचुरली वे मुझे और रजत को देखना चाहती थी, इसलिए ऑफिस से आते समय गौतम ने कहा था कि शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से आते समय दोनों को लेता आऊँगा, सुबह ऑफिस जाते समय छोड़ जाऊँगा। फिर मम्मी ने मना कर दिया। क्यों? उस दिन मेरे यहाँ भी कार्यक्रम था, शाम को मैंने पंकज और पल्लवी के लिए पार्टी रखी थी, सारे रिश्तेदारों को और मोहल्ले वालों को बुलाया था। तो उसके लिए पिंकी को रोकने की क्या जरूरत थी? वह तो उन लोगों से मिलती रहती है। घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और मैं कहाँ गया हुआ था? हाँ,
आप चोपड़ा अंकल के घर नागपुर गए थे? हाँ, मातम पुरसी पर गया था, तो फिर गौतम लेने नहीं आया। पर तुम्हें तो अपने घर का पता मालूम है ना, टैक्सी करके चली जाती। चली तो जाती पर मम्मी तांडव मचा देती, यही ना। पापा भैया भाभी इतने दिनों बाद आए थे, उनके सामने तमाशा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। काश इतनी फिक्र तुम्हें अपनी सास की भी होती, उस दिन तुम चली जाती तो उनका मन रह जाता। और मान भी, अपनी सास को खुश करने का एक सुनहरा अवसर तुमने गवा दिया। वेरी सॉरी। अब बस भी कीजिए, तब से जुटे हैं, उपदेश देने के लिए यही समय मिला है। लड़की बेचारी एक कौर नहीं खा पाई है। मत खाने दो, एक दिन नहीं खाएगी तो दुबली नहीं हो जाएगी। पर सच तो सुनना पड़ेगा, चाहे कड़वा क्यों ना हो। पिंकी, 3 बजे मम्मी ने आवाज़ दी। बेटा ज़रा चाय तो बना दे, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हो? शुक्ला जी के यहाँ सुंदरकांड है, तू भी चल, मन शांत हो जाएगा। मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल शांत हूँ। पर इतवार को सुंदरकांड कौन रखता है? मिसेस शुक्ला जॉब करती है ना, उन्हें शनिवार को भी छुट्टी नहीं होती। अच्छा तो है, इसी बहाने घर में रहने वाले पतियों को थोड़ी शांति मिल जाती है। पापा की इस बात पर मम्मी पलटवार करती, इससे पहले ही मैंने उनसे कहा, अब बहसबाजी में मत पड़ो और तैयार हो जाओ। भगवान की चर्चा में जा रही हो तो शांत मन से जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद उसने पापा को आवाज़ दी, सॉरी पापा, मैंने आपकी भी चाय बना दी है। इतनी जल्दी? पापा ने बाहर आते हुए कहा, दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, कम से कम 2 घंटे के लिए ही सही, मम्मी को बाहर भेज दिया है, इसलिए प्लीज़ बैठ जाइए। बोलो, पापा ने अपना चाय का कप उठाते हुए कहा। पापा, सुबह मैं उदास ज़रूर थी, पर रजत के लिए नहीं, वह तो मज़े में है। मैं घर में नहीं होती हूँ तो उसे खूब लाड़ होता है, वह मुझे याद भी नहीं करता। वह चुप हो गई। पापा उसके अगले वाक्य की प्रतीक्षा करने लगे। पापा, इन दिनों मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं उस घर के लिए, उन लोगों के लिए गैर जरूरी हो गई हूँ। मतलब? देखिए, संजना की सगाई हुई, मुझे खबर भी नहीं की गई। अगले दिन उसके ससुराल वाले डिनर पर गए थे, मुझे बताया नहीं गया। गौतम चेन्नई गए थे, मुझे माँ से पता चला। वे कब लौटे, यह भी मुझे मालूम नहीं। कल रात उन्होंने अपने स्टाफ को एक पार्टी दी, उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया है। इस बात की खुशी में मैं शामिल नहीं हूँ, और आज तो हद हो गई है। आज क्या हो गया? पापा, रजत स्कूल की पिकनिक पर नहीं गया है। इनके एक NRI मित्र सहपरिवार शहर में अपने घर आए हुए हैं, तो दोस्तों ने मिलकर आज एक फैमिली पिकनिक का आयोजन किया है। इन्होंने उसमें भी मेरा रहना ज़रूरी नहीं समझा। कहते कहते रो पड़ी थी वह। पापा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 6 क्या? इतने सालों में तुमने घर में अपने लिए क्या जगह बनाई है? मैं समझी नहीं पापा। बेटा, तुम घर में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और अब तुम महीने भर से बाहर हो, पर इससे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को तुम्हारी कमी नहीं अखरती, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं रुकता, तुम्हें कोई भी, यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा भी याद नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि तुम बहुत पहले से घर के लिए, उन लोगों के लिए गैर जरूरी हो गई हो। बस इसका एहसास तुम्हें आज हुआ है। पिंकी फटी फटी आंखों से पापा को देखती रह गई। बेटा, गृहिणी वह होती है जो घर में अगर एक दिन भी ना हो तो हाहाकार मच जाता है। तुम्हें याद है पिछले साल जब गौतम की नानी माँ नहीं रही थी और तुम्हारी सास 10-12 दिन के लिए गांव गई थी, तब तुम्हारे घर में कैसी अफरा तफरी मच गई थी? याद मत दिलाइए पापा, मैं तो उन दिनों में एकदम पगला गई थी। उस समय के कुछ किस्से तुमने ही मुझे सुनाए थे। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि रोज़ घर में कितना दूध लिया जाता है, धोबी के कपड़े किसमें दर्ज किए जाते हैं यह भी तुम्हें मालूम नहीं था। हर पूर्णमासी को पंडित जी के यहाँ सीधा जाता है, यह बात भी तुम्हें तुम्हारे ससुर जी ने याद दिलाई थी। एक दिन घर में आटा खत्म हो गया था तो तुम्हें यह भी पता नहीं था कि
कि आटा घर में रेडीमेड आता है या गेहूं पिसवाया जाता है। तुम्हारे घर की कुक विमला मौसी ने स्टोर रूम से गेहूं निकाल कर दिए थे, जो उनका बेटा शाम को पिसवा कर लेकर आया था। शादी के 5 साल बाद भी घर के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी नहीं थी। यह गर्व की बात है या शर्म की, तुम ही सोचो। वहाँ दिन भर माँ ही लगी रहती है, तो और क्या करेगी बेचारी, कोई हाथ बांटने वाला तो हो। तुमने कभी कहा कि सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी या कि शाम का खाना मुझ पर छोड़ दीजिए, और तुमने कह भी दिया तो वे भरोसा करेंगी? आधे दिन तो तुम घर से गायब रहती हो। वे गांव से लौटी ही नहीं थी कि तुम यहाँ चली आई। अच्छा लगता है? मम्मी मातम कुर्सी पर आई थी तो बोली, बहुत थक गई हो, 4 दिन चलकर आराम कर लो। तुम मना तो कर सकती थी, कह सकती थी कि मैं अभी नहीं आऊँगी। माँ इतने दुख भरे वातावरण से आई हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमने इस घर की समस्या को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं है। कभी नहीं कहा कि माँ के नवरात्र के उपवास चल रहे हैं, मेरे घर में रहना ज़रूरी है। घर में पुताई चल रही है, मैं घर छोड़कर नहीं आ सकती। बाबूजी के दोस्तों को खाने पर बुलाया गया है, मुझे माँ का हाथ बटाना है। तुमने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। बस मम्मी का फ़ोन आया और तुम दौड़ी चली आई। मम्मी फ़ोन पर रोने लगती तो मैं क्या करती? वे तुम्हारी कमज़ोरी समझ गई है, इसलिए तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है। एक आध बार उन्हें कोल्ड शोल्डर दो, निग्लेक्ट करो, समझ जाएंगी। पंकज आया था, भाई बहन साथ रह ले, इस विचार से तुम्हें बुलाया गया था, पर अब पंकज को गए 10-12 दिन हो गए हैं। यह मत समझो तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है तुम रहती हो तो, दिन शांति से कट जाता है। पर बेटा, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, एक अपराध बोध होता है, लगता है मैं सामने वाले के सौजन्य का गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ। पापा, मैंने आपको बताया नहीं, पर भैया गए थे, उस दिन एक कांड हो गया था। कांड? कैसा कांड? पिंकी ने हकलाते हुए सारी बात बता दी। पापा बहुत नाराज़ हुए। यह बात तुम मुझे अब बता रही हो? उस समय बताती तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ आता, तुम्हारी मम्मी के रोने धोने की परवाह नहीं करता। गाड़ी पार्क करते समय लौट रहा था तो मातुर साहब मिल गए थे, 5-6 मिनट उनसे बात करता रहा, लौटा तो गौतम रजत के साथ दरवाजे पर मिल गया। मैंने चाय के लिए कहा तो बड़ी रुखाई से सॉरी कहकर चले गए। उस समय बहुत बुरा लगा। उस दिन तुमने संजना की सगाई के बारे में बताया, तुम्हें उसने बुलाया नहीं गया, इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, तब उन्होंने कनाडा वाली मौसी का किस्सा सुनाया। वह सर झुकाए सुनती रही। अब क्या इरादा है? वह कुछ नहीं बोली। घर जाना चाहती हो या नहीं? उसने एक बार पापा की ओर देखा और नज़रें झुका ली। अपने घर जाने के लिए तुम्हें निमंत्रण की आवश्यकता है? वह चुप। देखो बेटे, रिश्तों को इतना भी मत खींचो कि वे तनाव ना झेल सके और टूट जाए। रहीम का दोहा पड़ा है ना, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। तो मेरी समझ से काम लो, अपना बैग तैयार कर लो, कल ऑफिस जाते समय मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊँगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी मम्मी को इस बात की हवा तक ना लगने देना, नहीं तो वह नौटंकी शुरू कर देगी और तुम्हारे पाँव रुक जाएंगे। जी। एक बात और, मन को एकदम साफ धो पोछ कर ले जाना, कोई गिले शिकवे नहीं, कोई ताने उलाना नहीं, क्योंकि अगर बहस पर तुम उतर आई तो उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, तुमसे ज़्यादा ही है। तो फिर डन, सुबह तैयार रहना। सुबह 8 बजे से पापा ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। नाश्ता लगा दो भाई, मुझे जल्दी जाना है। इतनी जल्दी? हाँ, घर में ब्रेड तो होगा ना, वही सेक दो। पिंकी कम ऑन, देर हो रही है। पिंकी आकर पापा के सामने बैठ गई। ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही है, और क्या? तुम्हें क्या लगा वह हमेशा के लिए यहाँ रहने आई है? वह रहना चाहेगी तो भी मैं उसे नहीं रहने दूंगा। अपने घर जाए, शौक से जाए, पर इतनी जल्दी क्या है? मम्मी ने प्लेट लगाते हुए कहा। मैं ऑफिस जाते समय उसे घर छोड़ता हुआ जाऊँगा, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। पर अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, तुम्हारे नहाने का और उसके जाने का क्या संबंध है? बसंती आएगी तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? बसंती के आने के बाद नहा लेना।
पूरा घर उसके भरोसे छोड़कर बाथरूम में घुस जाऊं? तो उसके जाने के बाद नहा लेना, पूरा दिन है तुम्हारे पास, दिन भर नहाती रहो। पिंकी चलो, देर हो रही है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। बाय मम्मा, पिंकी ने कहा और बैग उठाकर चल दी। मम्मी फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। अगर वह गले लगती तो उनका रोना शुरू हो जाता, इसलिए पिंकी ने दूर से ही टाटा कर दिया। गाड़ी में बैठने के बाद पिंकी ने कहा, पापा मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है, उन्हें काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। भैया यहाँ नहीं है इसलिए वे बहुत इनसिक्योर फील कर रही है, इसलिए मुझे पकड़े रहना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है, पंकज यहाँ होता तो स्थिति दूसरी होती? बताओ कौन सी बहू इतनी पजेसिव सास को बर्दाश्त कर सकती है? पल्लवी का भी वही हाल होता जो आज गौतम का हो रहा है, फिर या तो वे लोग अलग हो जाते या बाहर है। यही अच्छा है, कम से कम भ्रम तो बना रहता है। ससुराल वाले घर के सामने गाड़ी रखते हुए पापा ने कहा, बेटा मेरी बात याद है ना? कोई बहसबाजी नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, एकदम ठंडे मन से घर में प्रवेश करना। दरवाज़ा उसकी सास ने खोला। अरे भाई साहब, आप आइए आइए, देखिए जी कौन आया है। उन्होंने पति का ध्यान खींचा। आपको आपकी अमानत सौंपने आया हूँ, पापा ने दोनों को प्रणाम करते हुए कहा। अच्छा किया, इसी बहाने आप आए तो, आइए बैठिए ना। नहीं भाभी जी, ऑफिस जाऊंगा, चाय पीकर चले जाइए, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, आपकी आज्ञा टाली नहीं जा सकती, पापा ने कहा। और जब पिंकी सास ससुर के पैर छूकर खड़ी हो गई तो बोले, जाओ बेटा जल्दी से चाय बना कर ले आओ। अरे वह क्या बनाएगी, अभी तो आई है। तो कौन सा पैदल चलकर आई है? पिंकी बेटा फटाफट बना कर ले आओ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। पिंकी चाय बनाने चली गई, वह तीनों बैठ गए। बहन जी कैसी है, पिंकी की सास ने पूछा। वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, यह असाध्य रोग है, ठीक नहीं होगा। अरे ऐसा क्या? जब तक वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर लेती कि बेटा विदेश में बस गया है, लौटेगा नहीं, तब तक वे ठीक नहीं हो सकती। इस सत्य को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। वही तो, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, तब उसे घुमाने ले जाऊँगा, बेटे की गृहस्थी दिखा लाऊँगा। आप भी अपना ग्रीन कार्ड बनवा लीजिए, समधी बोले। नहीं भाई साहब, 2-4 महीने घूमने जाना ठीक है, मैं अपना देश छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकता। पिंकी की माँ चाहेगी तो उन्हें छोड़ जाऊँगा, फिर उनके रोज़ के व्रत अनुपालनों से घबराकर बहू खुद उन्हें छोड़ जाएगी। तभी अपना ब्रीफकेस लेकर गौतम नीचे उतरे। अरे पापा जी आप कब आए? प्रियंका को छोड़ने आए हैं, माँ ने बताया। तो आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बता दिया होता मैं ले आता, आपको तो उल्टा पड़ता है। गाड़ी में 2-4 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसी बहाने आप दोनों के दर्शन हो गए, उन्होंने समधी समधन को हाथ जोड़ते हुए कहा। उसी समय पिंकी चाय ले आई। बेटा जाओ गौतम जी का नाश्ता लगा दो, टिफ़िन तैयार कर दो, चाय पीकर मैं निकल जाऊंगा। पिंकी समझ गई पापा उसे संकेत दे रहे हैं कि उसे किस तरह से अपने घर में व्यस्त रहना है। वैसे तो गौतम का नाश्ता भी तैयार था और टिफ़िन भी। आओ बेटा नाश्ता कर ले, गौतम और पापा के निकलने के बाद माँ ने कहा। माँ मैं घर से करके चली थी, उसने प्लेट लगाते हुए विनम्रता से कहा। थोड़ा सा हमारे साथ कर लो, मुझे मालूम है घर से चलते समय कुछ खाया नहीं जाता, बस मुंह झूठा होता है। माँ ठीक ही कह रही थी, उसने सचमुच घर में कुछ नहीं खाया था, पर उसका कारण कुछ और था। मम्मी पापा की जुगलबंदी, वह और पापा दोनों बस मुंह झूठा करके ही उठे थे, माँ ने जैसे उसका मन पढ़ लिया था। मैं गौतम के साथ भाई साहब का भी नाश्ता लगा रही थी, पर वे जल्दी में थे ना, चाय के लिए ही बड़ी मुश्किल से राजी हुए। यहाँ से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है ना, करीब करीब दुगना अंतर हो जाता है, कहते हुए याद आया। जल्दी के कारण आज पापा का टिफिन भी नहीं बन पाया था। बेचारे पापा, आज कैंटीन के खाने पर ही गुजारा करना पड़ेगा। शाम को भी मम्मी का मूड पता नहीं कैसा होगा, कैंटीन में कम से कम शांति से तो खा लेंगे। 12 बजे रजत स्कूल से लौटा, उसे देखते ही खुशी से छलक उठा और दौड़कर उससे लिपट गया, और थोड़ी देर बाद ही उसने रुलाई फूट पड़ी।
और हिचक हिचक कर रोने लगा। उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। बहुत याद करता था तुम्हें, पर हमने जानबूझकर नहीं बताया। तुम्हारा मन बट जाता, फिर तुम्हारी मम्मी की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, तो मम्मी की बीमारी का सचमुच एक हवा खड़ा हो गया है घर वालों के लिए भी। खाना खाने के बाद वह रजत को लेकर कमरे में आ गई। पूरी दोपहर रजत उससे चिपट कर सोता रहा। उसने माँ को करवट भी नहीं लेने दी, जैसे उसे डर हो कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। उसका मन भी वात्सल्य से ऊब डूब हो रहा था। सोच रही थी उसे छोड़कर इतने दिन कैसे रह पाई। क्या उसका अभिमान ममता पर भारी पड़ गया था? 4 बजे उसने रजत के मुंह हाथ धुलवा कर कपड़े बदल दिए और नीचे ले आई। उसका दूध गर्म करते करते उसने चाय का पानी भी चढ़ा दिया। दूध पीकर रजत पड़ोस में खेलने चला गया। उसने माँ बाबूजी को चाय दी तो माँ बोली, बेटा जाओ अब चाय पीकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, थकी थकी सी लग रही हो। वह समझ गई माँ चाहती है कि गौतम के आने से पहले वह तैयार हो जाए। कमरे में आकर उसने बाल संवारे, मुंह हाथ धोया और कपड़े बदल कर प्रतीक्षा करती रही। कोई 6 बजे गौतम ऑफिस से लौटे। एक क्षण को दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखते रह गए, फिर बोले, वो आए हमारे घर पर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी घर को देखते हैं। वह एकदम फट पड़ी। क्या मतलब, घर सिर्फ आपका है मेरा नहीं? क्या औरत है यार, इतने खूबसूरत शेर का कचरा कर दिया। सॉरी, उसने सर झुकाकर कहा। पापा ने कितनी कितनी समझाइश दी थी, कोई ताना उलाहना नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर तुम बोलोगी तो उनके पास कहने को बहुत कुछ है। दरअसल वह सुबह से तनाव में थी, गौतम का सामना करने से कतरा रही थी। जब इस शेर के साथ सामना हुआ तो बांध टूट गया। गौतम उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, तुमने अभी पूछा ना, क्या यह घर तुम्हारा नहीं है? तो जवाब यह है कि हाँ, यह तुम्हारा घर नहीं है, हॉस्टल है। हॉस्टल जहाँ बच्चे मजबूरी में रहते हैं, हर पल छुट्टी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, छुट्टी लगते ही घर भाग जाते हैं, और फिर जब छुट्टी खत्म होती है तो बेमन से लौट आते हैं। उनके माता पिता उन्हें ज़बरदस्ती छोड़ जाते हैं, जैसे आज तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ गए हैं। उसका चीखने का मन हुआ कि पापा मुझे गोदी में बिठा कर नहीं लाए थे, मैं अपनी मर्जी से अपने पैरों से चलकर आई हूँ। पर उसने बमुश्किल तमाम अपने पर काबू किया। एक गलती कर चुकी थी, दूसरी करना नहीं चाहती थी। तभी नीचे से आवाज़ आई। गौतम ने कहा, शायद माँ बुला रही है, उनसे कहो बस फ्रेश होकर आ रहा हूँ। वह कमरे से बाहर आई तो देखा सीढ़ियों के बीच में जो चौर सी जगह होती है, वहाँ माँ ट्रे लेकर खड़ी है। अरे आपने क्यों तकलीफ़ की, ये फ्रेश होकर बस नीचे आ रहे थे। नीचे क्यों आएगा, उसे आराम करने दो, ट्रे ले जा सकोगी ना। जी, उसने कहा और ट्रे लेकर सीधे कदमों से ऊपर आ गई। गौतम ने वॉशरूम से लौटकर चाय का ट्रे देखा तो बोला, अरे मैं नीचे आ रहा था ना, माँ आधे रास्ते ले आई थी। माँ ने सोचा होगा दोनों अरसे बाद मिले हैं, थोड़ा प्रेम आलाप होने दो, उन्हें क्या मालूम यहाँ राग झंझोटी चल रहा है। चाय ले लीजिए, ठंडी हो रही है, उसने जानबूझकर उसकी बात को अनसुना कर दिया। तुम नहीं लोगी? थोड़ी सी ले लेती हूँ, वैसे 4 बजे बाबूजी के लिए बनाई थी तब ली थी। मेरी भी ऑफिस में बहुत हो जाती है, फिर भी घर आकर चाय पीने का मन करता है। कुछ क्षण मौन में कटे, फिर गौतम ने पूछा, तुमने अपना सूटकेस अनपैक नहीं किया, क्या इरादा है? मन हुआ कह दूँ, यह तो आप पर निर्भर करता है, पर उसने मन को शांत किया और कहा, समय ही नहीं मिला, पूरी दोपहर रजत चिपक कर सो रहा था, 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। उसने मुझे बहुत मिस किया ना? औरों ने भी किया है, बहुत ना सही, थोड़ा तो किया, पर और लोग बताएंगे थोड़ी ही, इसमें उनकी हेटी होती है ना। बच्चा बेचारा सहज भाव से अपनी बात कह गया। मन की बात कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर मन की बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने वह हिम्मत जुटाई और पापा से कहा,
अब मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि जानती थी कि पापा तो कभी मना नहीं करेंगे कि बहुत हुआ, अब अपने घर जाओ। माता राना मान गई, उन्हें हवा ही नहीं लगने दी। जब चलते समय टाटा किया तब उन्हें पता चला, और आज मैंने दिन भर अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रख दिया है। ब्रावो, तुम्हारी बहादुरी की दाग देनी पड़ेगी, इसके लिए इनाम तो बनता है। आंखें बंद करो। क्यों? कहा ना आंखें बंद करो, कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना, रजत अभी आने वाला है। आंखें बंद करो, इस बार उनकी आवाज़ में सख्ती थी। उसने आंखें बंद कर ली और धड़कते दिल से प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही पल में उसके आसपास एक रेशम सी सरसराहट अनुभव हुई। कुछ ही पलों में उस सरसराहट ने उसे घेर लिया। उसने आंखें खोलकर देखा, एक रेशमी साड़ी में गौतम ने उसे कुर्सी समेत लपेट दिया था। मोर पंखी रंग की साड़ी थी, गहरे नीले रंग की, जरी बॉर्डर वाली। हाय, कितनी प्यारी साड़ी है, पसंद आई? कब खरीदी? उसी दिन जब साड़ी की दुकान से बात हुई थी। पर आपने तो सिर्फ संजना की साड़ी के बारे में बताया था, यह हमारा सरप्राइज आइटम था। उसे याद आया, उस दिन वह एक ही पल में कितनी खुश और कितनी नाराज़ हो गई थी। अपने ऊपर शर्म आई उसे, इतने सालों में भी पति को नहीं पहचान पाई है। उस दिन एयरपोर्ट से लौटने के बाद नाराज़ होकर गए थे, पर उसके लिए साड़ी लाना नहीं भूले। साड़ी तय करके उसने कुर्सी पर रखी और पति की छाती में मुंह छिपाकर कहा, आपने ठीक कहा था, यह मेरा घर नहीं, हॉस्टल है। पर बेमन से ही सही, मैं बार बार यहाँ क्यों लौट आती हूँ जानते हो? बताओ, मुझे रूममेट बहुत अच्छा मिला है। वाओ, लेट अस सेलिब्रेट दिस प्रेशियस मोमेंट। और फिर सेलिब्रेशन, जिंदगी एक बार फिर उत्सव बनने जा रही थी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी उत्सव। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।